तो हम सबकी बहुत फेवरेट होती है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं उसी चीज से बहुत ही यम्मी सा एक इवनिंग स्नैक। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये चॉप्ड अनियन ले लिए, साथ में मैंने ले लिए कैप्सिकम। करने वाली हूँ यहाँ पर मैंने कॉर्न्स लिए हैं जो कि मैंने बॉईल करके लिए हैं। इन तीनों को हम अच्छे से मिला देंगे। और इसके बाद मैंने यहाँ लिया है एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर भुना हुआ जीरा लिया है। आप इसमें भुने हुए जीरे की जगह पिसा हुआ जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लेंगे। मैं यहाँ लेने जा रही हूँ एक बोल ब्रेड क्रम्स। आप इसे घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं और मार्केट से भी ला सकते हैं। इसमें मिलाने वाली हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। है सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट की बारी जो कि है चीज। यहाँ मैंने एक कटोरी मोजरेला चीज ली है। मैंने लिया है, मैंने इसे गार्लिक को मैश कर लिया। आप किसी भी फॉर्म में गार्लिक को यूज कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से अपने सारे इंग्रेडिएंट्स में मिला लेंगे। कॉर्नफ्लावर यहाँ रेडी हो गया है, साथ में मैंने ऐड थोड़े से और ब्रेड क्रम्स ले लिए। तो देखिए यहाँ हमारा डो रेडी हो गया है। तो छोटी छोटी बॉल्स बनानी मैंने शुरू कर दी हैं। आप इसी तरीके से सारी बॉल्स को रेडी कर लेंगे जैसे मैंने कर लिया है। साथ में मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया है और अब हम अपने अपनी छोटी छोटी बॉल्स को कॉर्नफ्लावर में डिप करेंगे और जो हमारे ब्रेड क्रम्स हैं उसमें हमें अच्छे से उसको लगा देना है ताकि जो ऊपर का जो हमारे जो ये जो बॉल्स बने बहुत ही फ्राइड बहुत ही क्रिस्पी बने। इसके लिए हम ये ब्रेड क्रम्स में इसे अच्छे से मिला रहे हैं। इस तरीके से हम अपनी सारी बॉल्स को रेडी कर लेंगे। ऑयल भी मेरा गर्म हो चुका है तो इसमें हम एक एक करके डीप फ्राई करते हैं। डीप फ्राई मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसी से हमारा जो ये हमारी जो बॉल्स होंगी चीज बॉल्स ये बहुत ही क्रिस्प और अच्छे से देखिए आप फ्राई हो जाएंगे। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया, गोल्डन ब्राउन इसमें कलर देना है बॉल्स को और मीडियम आंच पे हमें इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कितना यम्मी और कितना क्रिस्प कलर आया है इसमें। मेरे सारे चीज बॉल्स रेडी हो गए, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ, उनकी प्लेटिंग कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कितने यम्मी कितने चीजी लग रहा है ये स्नैक। अगर इस स्नैक को आप पार्टी में बनाएं तो लोग तारीफ करते ही नहीं थकेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये रेसिपी ये गार्लिक कॉर्न चीज़ बॉल्स आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।